उल्हास, मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्हास, मेरा धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास मेरा उल्लास शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज एकता भाईचारे का हो सदा एहसास हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास मेरा उल्लास 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 आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास नमस्कार मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट लविन तेजवानी मेरा उल्लास यानी मेरा आपका हम सभी का शहर उल्लास नगर तो आइए देखते हैं क्या है आज की गतिविधियां और क्या है आज के घटनाक्रम मेरा उल्लास टीवी न्यूज पे आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास वालदूनी नदी को बचाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वह बदस्तूर जारी है इसी के तहत हाल ही में सेपरेट रिवर सेपरेट सुअर अभियान के चलते हस्ताक्षर लिए गए ये आज सिग्नेचर कैंपेन शुरू किए हमने उलास स्टेशन के बाहर वालदुनी नदी के साइड में कि ये वालदूनी नदी जो है प्रदूषण से मुक्त हो अभी हमारे राजेंद्र सिंह जी जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं वो भी 8 अगस्त को यहाँ पे आ रहे हैं उनका कहना है कि ये सेपरेट रिवर वाटर फ्रॉम सेपरेट सेपरेट रिवर वाटर फ्रॉम सीवर वाटर जो गंदा पानी अलग करो अच्छा पानी अलग करो हम इस कैंपेन से ये प्रशासन को जान देना चाहते हैं कि ये सफाई हो और इसमें सीवर वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट वो इसमें ना पड़े और नदी बारह ही महीना सफ़ा की जाए और प्रदूषण मुक्त की जाए वालदूनी नदी जी असाजे उल्लासनगर के विच शहर में वहन वह ॿ महीना अॻु में बि जेको असां सिग्नेचर कैंपेन रखी हुई उनखां पोइ महानगर पालिका जो सुठो रिस्पॉन्स मिलियो हुयो ऐं नदीअ जी सफ़ाई थियणु चालू थी वई हुई हाणे नदी असांखे साफ़ु सुथरी नज़र अचे थी पर इहा नदी हमेशह साफ़ु रहे हिन में जेको शहर जो जेको मलमूत्र हिन में जेको पए थो पियो उनखे महानगर पालिका खे अलॻि करणु खपे जीअं हिन पाण जे नदीअ में पाणी ॿारहें ई महीना साफ़ु सुथिरो जी वहे जीअं हिन नदीअ जे करे कोई बि शहर में शहरवासी बीमार न थिए असांजी इहा ई कोशिशि आहे त असां जल जन जोड़ो अभियान जे थ्रू श्री राजेंद्र सिंह जेके असांजे भारत जा जल पुरुष आहिनि उन जे नेत्व में असां इहो अभियानु हलाए रहिया आहियूं असांखे अॼु हिते केतिरी बि बरसाति पई आहे सुबुह खां पर पब्लिक जो ॾाढो सुठो ई पॉज़िटिव रिस्पोंस मिलियो आहे चङनि ॼण पाण अची करे इहा ॻाल्हि क़बूल कई आहे त हाणे नदीअ सफ़ाई चालू थी आहे ऐं अॻे प्रॉब्लम घटि आहे

देखते रही मेरा उल्लास नगर मनपा कल्याण डुम्बली मनपा अंबरनाथ और बदलापुर नगर पालिका को वाल्दोनी नदी को बचाने के लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा इस तरीके का निर्णय कोर्ट ने लिया है इस बारे में हमने बातचीत की जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी के सहयोगी श्री अविनाश कुब्बल से ये जो वालधुनी नदी का प्रदूषण है ये सब लोगों के लिए हम सब लोगों के लिए बहुत खतरा बना हुआ है और इसकी इसका संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया था और इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी और इस चर्चा के अंत में ये पाया गया कि यहाँ की जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है या और इंडस्ट्रीज हैं इन लोगों ने ठीक से काम नहीं करने की वजह से ये नदियाँ प्रदूषित हुई है इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने माना है और इस काम को करने के लिए उन्होंने इसको एक अलग प्रकार से हमारे प्रशासन को और सभी ऐसे लोगों को जो पोल्यूशन कर रहे हैं इनको दंडित करने का प्रावधान किया था और इस प्रावधान को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है तो अब हम इस दंड से नहीं बच सकते हैं लेकिन एक आम नागरिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये दंड हुआ है तो ये दंड कहीं और से नहीं जाने वाला ये आपके और मेरी जेब से जाने वाला है क्योंकि ऑल हम लोग सब टैक्स पेयर हैं हमारी जेब का पैसा है जो इस काम के लिए जाने वाला है या इस दंड के भरने में जाने वाला है तो आइंदा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा फ्यूचर में हमको ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ बार बार न आए इस इस इतने बड़े घटना को हमने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और वालधुनी हो या और कोई भी नदी हो तो उस नदी के अंदर प्रदूषण ना जाए वो नदियाँ प्रदूषित ना हो ये अपने नैसर्गिक जल स्रोत जो है वो अच्छे से रहे और इससे हमें कोई ख़तरा ना हो जैसा कि बार बार अखबारों में आता है कि नदी में प्रदूषण हो गया और उसकी वजह से गैस का रिसाव हो गया लोग बीमार हो गए लोगों में आ, लोगों को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा आ, ये तो अच्छा है कि अभी तक कोई जान माल जान के हानि नहीं हुई है लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी वजह से बहुत सारा सहन करना पड़ा है तो ऐसी परिस्थितियाँ बार बार आने से उसका बहुत बुरा असर लोगों के हेल्थ पर पड़ता है और ये सब चीज़ों से अगर हमको बचना है और फ्यूचर में अगर हमारे शहर को हमको और ऊंचा लेके जाना है हम हमारी परिस्थिति को अगर हमको सुधारना है तो हमें यह देखना होगा कि हम कहीं भी प्रदूषण को ना होने दें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी हैं अगर आप अपार्टमेंट में या आप अपनी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपकी बिल्डिंग का सुवेज है या सीवरेज है वो अच्छे से ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है या कच्चा पानी में जा रहा है और अगर वो पानी में जा रहा है तो क्या वो नदी में जा रहा है या ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है अगर आप कोई केमिकल या इस प्रकार की कोई वस्तुएं उपयोग में लाते हैं तो उसको आप कैसे डिस्पोज करते हैं कहीं वो नदी में तो नहीं जा रहा ये सब चीज़ों को देखना होगा क्योंकि इस धरती पे जो पंच महाभूतों को हम मानते हैं उसमें से जल एक बहुत बड़ा स्रोत है और जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य की देह भी सेवेंटी पानी से बनी है सत्तर हमारे शरीर में पानी है तो, तो वो कितने वो? आ, मेरे हिसाब से कल्याण डोम्बीवली उल्लासनगर अम्बरनाथ और भी कोई एक इसमें एंटिटी है सबको मिला के करीब 100 करोड़ का दंड लगा है मेरे ख़्याल से इसमें उल्लासनगर का हिस्सा करीब 25 करोड़ रुपए का है तो इस चीज़ को देखते हुए हम नागरिकों का यह फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ कहीं भी नदी को साफ़ करने की कोई मुहिम चल रही कोई एक्टिविटी चल रही है तो उन कार्यकर्ताओं से मिले उनसे समझ ले कि हम इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं और मेरे साथ में जो हमारे जो बाकी के बहुत सारे लोग हैं ये रिवर मार्च के माध्यम से या वालधुनी जल बिरादरी के माध्यम से और अपने अपने अलग अलग एन के माध्यम से ये कोशिश बार बार कर रहे हैं कि अपने शहर को प्रदूषण मुक्त रखा, रखा जाए हमारे शहर के पानी को प्रदूषण मुक्त रखा जाए हमारे शहर के ग्राउंड वाटर को प्रदूषण मुक्त रखा जाए और इन सब प्रयासों में अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश बन पाता... बन पाती है उतना कॉन्ट्रीब्यूशन हमको करना चाहिए उतना उतनी कोशिश हमको करनी चाहिए साथ ही साथ में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे भारत के जो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट है या बहुत बड़े एक पानी के बारे में काम करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र सिंह इन्होंने इस वालधुनी नदी को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है और वो यहाँ पे आज तक अभी तक दो बार आ चुके हैं अगले अगस्त महीने की आठ तारीख को भी वो दोबारा यहाँ पर आने वाले है और हमें मार्गदर्शन करने वाले है मैं प्रशासन से मैं महानगर पालिका के अधिकारियों से महानगर पालिका के लोगों से और जो भी हमारे यहाँ निर्णय लेने वाले जो कर्ता धर्ता लोग हैं उन सब से विनती करूँगा कि आठ तारीख को जब राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके आगमन के उस पावन अवसर पर वो उनसे मुलाकात करें उनसे चर्चा करें उनसे भेंट करें और उनसे मार्गदर्शन लें कि इस नदी के लिए हम क्या कर सकते हैं और ये हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर जो पानी की गंदे पानी की समस्या है उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसका मार्गदर्शन हम उनसे लें और उस पर अमल करें तो दोबारा ये परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आएगी आपकी जुबान हमारी आवाज़ देखते रहिए मेरा उल्हास श्रीमती सरिता खानचंदा ने एक ऐसी समाज सेविका है जिन्होंने उल्लासनगर शहर को प्रदूषण बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं वाल्धुनी नदी को बचाने के लिए भी इन्होंने अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है कोर्ट ने प्रशासन पर जो जुर्माना लगाया है इस बारे में वे सविस्तार जानकारी दे रही हैं। वाल्धुनी नदी जो है ये एक रेनफेड रिवर है जो काकोले लेक से शुरू होती है वाल्धुनी नदी की अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो शिव मंदिर जो अंबरनाथ में बनाया गया है प्राचीन काल में वो भी वाल्धुनी नदी के किनारे स्थित है आज की जो कहानी है कि आज शायद हमें उसे वालधुनी नाल मतलब नदी न कह के आज की जो युवा पीढ़ी है या जो लोग हैं वो उसे वालधुनी नाला कहते हैं तो so ये बहुत ही दुखद बात है कि एक नदी जो आज पूरी तरह नाले में तब्दील हो गई है नहीं देखिए एन की अपनी एक अलग दृष्टिकोण होता है एन जी हम हमेशा उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सरकार छोड़ देती है सरकारी अंश हुए मुद्दों को जगाने का काम एन करती है आ, जैसे कि अब मैं फिलहाल जो बात कर रही हूँ कि एक बहुत बड़ा झटका हमारी सरकार महाराष्ट्र सरकार को लगा है ख़ास विशेष तौर पे हमारी चार कॉरपोरेशंस को लगा है के डी एम सी यू एम सी अम्बरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल और बद्रापुर कुलगांव अब वन शक्ति एन ने करीबन दो में एन में आ, ये केस डाला था रिगार्डिंग पोल्यूशन ऑफ़ बालधुनी और उल्लास रिवर एन uh, में सौ करोड़ का इनके ऊपर जुर्माना जब लगा क्योंकि देखिए एक फंडा होता है फॉर्मूला होता है पोल्यूटर्स पे ये नदी को पोल्यूट किसने किया इस नदी को पोल्यूट करने का काम सिटीजन्स का था इंडस्ट्रियलिस्ट का था और उसको सेफ करने की जिम्मेदारी जो होती है वो कॉरपोरेशन की होती है सरकार की होती है अब जब सरकार और कॉरपोरेशंस ये नहीं करेगी तो ऑब्वियसली बिकॉज लीगली इन नेचुरल रिसोर्सिस के जो गार्जियंस होते हैं वो ये सरकारी प्रशासन होते हैं तब एन ने इन पर ऑलरेडी सौ करोड़ का जुर्माना आई थिंक करीबन दो में लगा चुके थे तो महाराष्ट्र सरकार ने इस ऑर्डर के विरुद्ध हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी थी स्टे लाया था जनशक्ति एन ने इस स्टे के लिए अगेन सुप्रीम कोर्ट गए और एक काफ़ी जद्दोजहद काफ़ी लड़ाई काफ़ी परेशानी के बाद आज का ये जो ऑर्डर आपके सामने आया है कि सौ करोड़ हंड्रेड करोड़ ऑन द पॉलिसी ऑफ पल्यूटर्स पे ये सौ करोड़ डिवाइड हो जाएंगे के डी एम सी यू एम सी एम सी और बदलापुर कुलगांव काउंसिल में आ, सिर्फ तीन हफ्तों का समय मिला है इन कॉर्पोरेशन कौर्परेश, कॉरपोरेशंस को तो आई थिंक इससे बड़ा झटका एक एनजीओ एक नेचुरल रिसोर्स बचाने के लिए क्या दे सकती है आप जब अगर उल्लासनगर विशेष तौर पे आप बात करेंगे तो काफ़ी एन सक्रिय हो गए हैं आ, जिसमें मैंने ये मुद्दा दो साल पहले से ही लिया हुआ है वालधुनी जल बिरादरी बन चुकी है जिसमें गोर्धन गोलानी जी ने बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर आ, काम की अब राजेंद्र सिंह जी ने एक उल्लासनगर के शहरों वासियों में एक चेतना जगा दी है तो अपने स्तर पे आ, गवर्नमेंट को शेक करने का काम हम एन कर रहे हैं बखूबी कर रहे हैं रिजल्ट्स हमारे सामने हैं कि आज हम जिस चीज़ को निग्लेक्ट कर चुके थे क्योंकि मुझे इसे याद आ रहा है कि आज के करीब 10 साल पहले मैंने खुद गणपति विसर्जन वालधुनी नदी में किया था हमारे इष्टदेव झूलेलाल साहब का बहराना इसमें निकलता था और आज अगर आप छोटे बच्चों को पूछोगे ना छोटे क्या टीनेजर्स को भी पूछोगे तो बोलेंगे नहीं ये नाली नहीं ना सॉरी नदी नहीं नाला है सो so, एक ऐसा अमूल्य नेचुरल रिसोर्स जो नदी से नाले में तब्दील हो गया आई थिंक एन जी से बेट, बेटर फ्यूचर में अगर प्रशासन को कोई जगा सकता है तो वो इस शहर के लोग हैं वालदुनी नदी चार काउंसिल से बहकर आती है यानी बदलापुर से शुरू होती है अंबरनाथ उल्लासनगर और शहाड़ यानी इट्स सम पार्ट्स ऑफ कल्याण सो so, यहाँ तक वो जब बहती है तो आरा करीबन इतनी लंबी दूरी करने के बाद तो सही डिसीजन है मैं बहुत ही बधाई देना चाहती हूँ वन शक्ति एन को और बाकी सभी सहयोगी एन जी ओज़ को आ, कि इस तरह की जो लड़ाई है आ, बिना किसी सेल्फिश सेल्फिश मोटिव के हमें लड़ते रहना चाहिए और हमारी जो एक जिम्मेदारी है कि आप हमारा जो पर्यावरण है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे हमें ही बचाना है कोई और थोड़ी आकर बचाएगा सो इट्स अ वेरी बिग स्टेप देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है ना क्योंकि एक नया प्रॉब्लम क्योंकि जब हम किसी रिवर की पोल्यूशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये वाटर पोल्यूशन होगा लेकिन अब आपको पता है कि उल्लासनगर में जब 2014 में भी करीबन 600 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे यानी उनकी जान पे बन आई थी चलिए ख़ुदा ना खास्ता वो एक एक्सीडेंट बच गया लेकिन आप आए दिन आपको पता है कि लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन से तकलीफ़ में मर रहे हैं तो यानी या तो प्रशासन किस बहुत लंबे एक मतलब मेगा स्केल पे मौत का इंतजार कर रही है या उसे दुरुस्त करेंगे तो आई थिंक दुरुस्ती ज़्यादा अच्छी है सो इट्स नाउ दे हैव लेफ्ट नो ऑप्शंस इनको वालधुनी नाले को वापस वालधुनी नदी में तब्दील ही करना पड़ेगा आपकी जुबान हमारी आवाज़ देखते रहिए मेरा उल्हास सतगुरु साईं वसंणश शाह साहेब का एक सौ वर्षीय उत्सव साईं वसण शाह दरबार में बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाना है इसी बीच शहनशाही चालिया साहेब का आयोजन भी होगा तथा वर्षीय महोत्सव में ज्ञानी गुणी कलाकार दरबार में आकर अपनी हाजिरी पेश करेंगे की जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्लास आदरणीय संत श्री किरीट भाई जी हमारे शहर उल्लास नगर में पधार रहे हैं आगामी 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में श्री किरीट भाई का सत्संग का कार्यक्रम रिजेंसी हॉल लिंक रोड उल्लास नगर 4 में रखा गया है उल्लास नगर वासियों से अपील की जा रही है कि इस सत्संग में आकर वे अपना जीवन सफल बनाएं पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि क्रीड भाई जी हमारे शहर उल्लासनगर पधार रहे हैं आगामी 19 जुलाई बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन श्री जी निधि की तरफ से होने जा रहा है यह कार्यक्रम रीजेंसी हॉल फर्नीचर बाजार लिंक रोड उल्लासनगर तीन में 19 जुलाई तीन बजे से आठ बजे तक आयोजित किया गया है आप सभी को सादर आमंत्रण देते हैं कि गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में पधारकर पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि श्री कीट भाई जी का सत्संग प्रवचन सुनें श्रवण मनन करें और अपने आप को धन्य बनाएं। याद रखें बुधवार 19 जुलाई 3 बजे से 8 बजे तक रीजेंसी हॉल फर्नीचर बाजार लिंक रोड उल्लासनगर तीन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा सिंधी बच्चों के लिए इंटरनेशनल नर्सरी राइम्स कंपटीशन का आयोजन किया गया है जिसके तहत योग्य बच्चों को इनाम भी दिए जाएंगे इस बारे में हमने बातचीत की श्रीमती आशा चांद जी से सजे जग में सजी दुनिया में सिंधिन जो मान है शान है हर तरफ हाँ जी गूंज लगी पी है हर इंसान चाहे तो सिंधी भाषा साहित्य सभ्यता विकास थे पर सही मायने में बारिधी सेखार पीन बारे घर में सिंधी ाल उन हिमथाय तमाम जोगो कदम खड़ी आया श्रीमती आशा चांद जी जी वर्क विद्वान बि आहिनि लंबे समय खां वठी टी वी सीरियल्स ऐं टेलीफिल्म्स ठाहिणु सिंधीयत खे वाधारे में आणणु ऐं सॼे जग जे, जे सिंधियुनि खे पाण में जोड़ण लाइ हिननि तमामु पाण खे मोकिलियो आहे त कहिड़ो प्लान खणी आयो हिन दफ़े असांजे ॿारनि लाइ भाऊ बेसिकली छा आहे जो असांजा जेके ॿार नंढा आहिनि <laughs> न उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण में पहिरीं पहिरीं त असांखे उन्हनि खे खपे तो उन टी साल का वी अठे साल के बारे लाइन असा एक चटाभेटी रखी है नर्सरी राइम्स यानी सिंधी बैत की चटाभेटी जहाँ गुजरियल साल भी रखी हुई साल या पंद्रह जून का वी शुरू थी चुकी है इनमें ब हैं जूनियर कैटेगरीज सीनियर कैटेगिरी इन में चार चार पॉइट्रीज यानि चार चार पॉइम्स यानि बैत रखल उन भी बैत बार चूडो है याद करण ऐं माइट खे उनजो वीडियो शूट करे असांखे वीडियो मोकिलणो आहे इन इन करे छाकाणि जो वीडियो थो निकिरे त ॿारु वधीक ऐं वधीक दफ़ा उहा पोइट्री चए थो पोयम चए थो ऐं उनखे हिकिड़ो ख़ौफ़ जेको कॅमरा जो फियर थींदो आहे उहो लही थो वञे इन करे असांजा ॿार सुठे नमूने में सिंधी जा उचार ॿ ॻ ॾ जा उचार सवले नमूने में करे सघंदा इहा असांखे ख़ातिरी आहे वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त इहे जेके अॻे साल असां जेके वीडियोस आया उहे सभु असां यूट्यूब जे सिंधी संगत किड्स नाले चैनल ते रखी छॾिया आहिनि हाणे तव्हीं ॿुधायो त अहिड़ो कहिड़ो माइटु हूंदो जेको पंहिंजे ॿारनि जो वीडियो यूट्यूब ते विझंदो त इहा बि हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि थींदी हिन चटाभेटीअ जी अच्छा असांजे जेके सिंधी भाउर भेनर आहिनि उन्हें हिंद सिंधी बेतन टाइम सी रखी है। तो उन्हें हमथायण ला कुछ प्राइजेस कुछ इनाम एक्जेक्टली exactly. लाइन वी इनाम रखा वी इनाम सब कंप्यूटर टैबलेट्स हैं मना अगे साल भी अस वी इनाम रखा ए काफ़ी बार उत्साह हो इन अच्छा यो बो त इहा जेका चटाभेटी रखियल आहे ॿारनि ला लाइ बैतनि जी उन जी कुझु तारीख़ फिक्स हूंदी कुझु टाइम पीरियड हूंदो की जंहिंजे विच में हू पंहिंजा बैत मोबाइल ते ऐंड्रॉइड ते रिकॉड करे असांखे मोकिलींदा ऐं उन्हनि खे इनाम पिणु मिलंदा हा उन्हनि खे हिकिड़ी असां हाल असां एकटीह जुलाई ते असांजी लास्ट डेट रखी आहे जंहिंमें हिननि खे सिम्पल पंहिंजे मोबाइल ते वीडियो शूट करिणो आहे ऐं घणा ई माण्हू पुछनि पिया त कीअं असीं तव्हांखे था। था ट्रांसफर कयूं छाकाणि त हीअ जेके फाइल्स थियनि था वीडियो फाइल्स उहे चङा वॾा थियनि था माना हंड्रेड एम बी खां मथे थियनि था तंहिंजे करे असीं उन्हनि सभिनी खे सलाहु ॾियूं था त तव्हीं पहिरीं उहो वीडियो शूट कयो पंहिंजे मोबाइल ते पोइ ट्रांसफर कयो पंहिंजे कम्पयूटर ते कंप्यूटर मां वी ट्रांसफर डॉट कॉम जेको आहे उन ज़रिए ताईं असांखे सिंधी संगत एट जीमेल डॉट कॉम आई डी ते त ईअं करण सां तव्हांखे यानी जेको असांजो फाइल मोकिलींदो उनखे बि ख़बर पवंदी त असां फाइल डाउनलोड कयोसीं ऐं असां वटि हुननि जो वीडियो पहुतो अच्छा इन खां सवाइ ॿी कहिड़ी ज़रूरत आहे अच्छा असांजे हिन कॉम्पिटीशन जे लाइ असां सिंधी साथी बणजणु ज़रूरी रखियो आहे उहो सिंधी साथी जेका आहे असां चाहियूं था त सिंधी सभु पखिड़ियल आहियूं सॼी दुनिया में ऐं हिक ॿिए सां जुड़ण जे लाइ असांखे हिकिड़ो ई माध्यम आहे उहो आहे इंटरनेट जो जेकॾहिं असीं सभई सिंधी इंटरनेट ते डबलू डब्लू डब्ल्यू सिंधी साथी डॉट ओ आर जी जेको असांजो वैबसाइट आहे उन ते पंहिंजो नालो विझंदासीं दाख़िलु कंदासीं त असीं सभई सिंधी साथी थी जुड़ी वेंदासीं ऐं असांजी हिकु ॿी बि गुज़ारिश आहे माण्हुनि खे त ता तव्हीं जंहिं जंहिं शहर मां सिंधी साथी बणिजो था उते उते जे शहर जा जी ख़बरचार ॾियो जीअं त उते कहिड़ा लाल साईं जा मंदर आहिनि उते कहिड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट आहिनि उते कहिड़ा मैट्रीमोनियल ब्यूरोस आहिनि या त वरी एल्जर्स होम्स आहिनि ईअं करण सां हिकिड़ो सेंट्रलाइज़ डेटाबेस तयारु थी वेंदो जेको असीं वरी हिकु जॾहिं एप ठाहींदासीं सिंधी साथी जे नाले सां त तव्हीं किथे बीठा हुजो कहिड़े बि शहर में त तव्हांखे उन शहर जे बारे में ख़बर पइजी वेंदी त केतिरा मंदर आहिनि किथे आहिनि वग़ैरह वग़ैरह त असीं चाहियूं था त हर माइटु हिन चिटाभेटीअ में जेको बि पंहिंजे जो नालो या पंहिंजे ॿार जो वीडियो मोकिले थो उहो सिंधी साथी ज़रूरु बणिजे ऐं उन ई ईमेल आई डी तां वीडियो मोकिले पर उन जो मतिलबु ईअं कोन्हे त जेकॾहिं तव्हांजा ॿार या ॿार वॾा थी विया आहिनि ऐं तव्हां या साथी न बणिजो बिल्कुलु सभिनी सिंधियुनि खे सिंधी साथी बणजणो आहे ऐं असांखे हथ में हथु मिलाए अॻिते वधिणो ई आहे कोशिशूं त इहे ई करणियूं आहिनि जीअं ॿारनि जी खे सुठी सिंधी सेखारे सघूं ऐं पंहिंजी सुञाणप क़ाइमु रखूं त पोइ देरि छा जी तयारु कयो पंहिंजनि ॿारनि खे डबल फ़ाइदो आहे डबल धमाका आहे हिकु त ॿार सिंधी सिखी बि वेंदा ऐं सिंधी बैतनि जी चटाभेटीअ में भाॻु वठी करे इनाम इकराम बि पाए सघंदा आपकी ज़ुबान देखते रहिए मेरा उल्लास सिंधी भाषा साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए जिन लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है ऐसे लोगों से मेरा उल्लास आपकी मुलाकात करवाती है आइए मिलते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से हमारे शहर उल्लासनगर के सिंधी समुदाय से कला के ऐसे रतन निकले हैं जिन्होंने उल्लासनगर शहर के साथ साथ पूरे देश भर में पूरे राज्य भर में अपनी कला के माध्यम से अपना नाम रोशन किया है मेरा उल्हास चैनल की यही कोशिश है कि आपको हम रूबरू करवाते हैं हमारे शहर उल्हास नगर के वे कला रतन से वे कलाकारों से जिन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया है आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमित लेखवानी जी अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू अमित जी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने स्टेज प्ले से शुरुआत की थी और आगे जाकर अब बॉलीवुड में ये अपना परचम लहरा रहे हैं ज़्यादा जानकारी लेते हैं अमित जी से अमित सर कैसे आपकी शुरुआत हुई हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने इस कला के माध्यम से आपने अपनी शुरुआत की किस तरह से स्टेज प्ले शुरू हुए और किस तरह से एक्टिंग का जौहर दिखाया आपने पहले मैंने स्टार्ट किया था थिएटर ग्रुप से थिएटर ग्रुप करते करते मैंने अपने अंदर कुछ देखा कि क्या मैं कर सकता हूँ जब मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया तो मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आया नहीं है मैं कुछ कर सकता हूँ वो करते करते मैंने उल्लास नगर में दस बारह साल से मैं थिएटर्स करता रहा उल्लासनगर के जितने भी ग्रुप्स हैं दीपक वटौनी सर चंद्र जी सर दिलीप लालवानी सर जय हीरो सर मैंने सब के साथ काम किया और उल्लास नगर में मोस्ट ऑफ जितनी भी सिंधी मूवीज़ बनी हैं सब में मैंने अच्छा किरदार निभाया है अलग अलग कैरेक्टर प्ले किया है डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिया है वो करने के बाद एक मेरा ड्रीम था कि मुझे अपनी इस कला को एक आगे लेके जाना एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है मैंने कला के माध्यम से मुझे कोई सोर्स नहीं था वहाँ तक पहुँचने के लिए ना कोई इन्फ्लुएंस था ना कोई कॉन्टैक्ट्स थे बट वहाँ मुझे पहुँचना था तो साइड बाई साइड मैंने जॉब भी किया एम बी ए भी कम्प्लीट किया बट उसके बाद भी मुझे कोई रहा नहीं दिख रही थी बट मैंने एक रिस्क उठाया अपनी लाइफ के लिए कि नहीं अगर मुझे कुछ करना है तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा तो कैसा रहा ये सफ़र जैसे उल्हासनगर शहर से आप निकले और सीधा आप बॉलीवुड में सफ़र कैसा रहा और कौन से कौन से प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया सफ़र बहुत ही कठिनाई था बट अच्छा था मेरे लिए एक मूवी आई थी आमिर खान जी की आ, थ्री ईडियट्स उसमें एक एक डायलॉग था आर मधन जी का अपने डैड से बात करते हैं अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं सारी ज़िंदगी आपको कोसता रहूंगा। अगर मैं फ़ोटोग्राफर बनूंगा भले मैं कुछ ही कमाऊं चाहे पाँच हज़ार दस हज़ार पर मैं खुश रहूंगा। यही मेरा सपना था और उसी सोच को लेकर मैं आगे निकला मैंने अभी तक काफ़ी सीरियल्स में काम किया है मतलब बॉलीवुड में जितने भी अच्छे सीरियल्स हैं जैसे कि सावधान इंडिया सी राम आ, सिया के राम महादेव रामायण जय 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 बजरंग बजरंग बली कुल 100 से 200 एपिसोड में मैं काम कर चुका हूँ अब तक के जितने सीरियल्स आए हुए हैं और 2016 में मेरी तीन मूवी रिलीज हुई थी एक आ, निर्जा बैनोट सोनू कपूर जी के साथ उसमें मेरा जस्ट अपियरेंस था सेकेंड मूवी थी माई फादर इकबाल इसमें मैंने मेन नेगेटिव किया था नरेंद्र झा जी के ऑपोजिट में और थर्ड मूवी थी मेरी इट ये मूवी अरेबिक मूवी थी जो दुबई इजिप्ट में रिलीज़ हुई थी इसका नाम है गहिम फियर और करंटली मेरी 2017 में एक मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है लास्ट फ्राइडे सेवन्थ जुलाई 2017 थाउजेंड तियान ये साउथ मूवी है मलयालम लैंग्वेज में हिंदी एंड मलयालम मिक्स में और करंटली मेरी बड़े बैनर की मूवी आ रही है मुन्ना माइकल विद नवाजुद्दीन जी एंड टाइगर श्रॉफ मैंने एक अच्छा सा कैरेक्टर उसमें प्ले किया है होप आपको अच्छा लगेगा कि मैंने उस मूवी में मैंने काम किया है और मेरी थर्ड मूवी है संजय मिश्रा जी के साथ डीएनए में गांधी वो कभी भी रिलीज हो सकती है बस आ, और भी प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ मेरा एक तो इसमें ते 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 इसमें अमित जी मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि जो आपकी मुन्ना माइकल आ रही है उसके लिए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे शहरवासी भी जाएंगे वो देखने के लिए तो व्हाट इज़ नेक्स्ट अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी क्या और करना चाहते हैं आगे मैं ये करना चाहता हूँ कि देखो मेरा सपना है कि मैं ऑल ओवर इंडिया में मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस है सब में काम करना चाहता हूँ बॉलीवुड में तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ और मुझे दिन दिन ब दिन सक्सेस मिलती जा रही है अब मैं टॉलीवुड में भी मतलब साउथ में भी ट्राई कर रहा हूँ ऑलरेडी साउथ में मेरी दो मूवीज हो चुकी हैं एक तो रिलीज़ हो चुकी है और जल्दी ही दूसरी मूवी रिलीज़ होने वाली है तो मेरा सपना है कि मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स करूँ और आपके आपके सामने मैं इस अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स में आता रहूँ मेरी आने वाली फ़िल्म मुन्ना माइकल जो ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई को रिलीज़ हो रही है टू थाउजेंड यही महीने में तो प्लीज़ आप उसको वॉच कीजिए बिकॉज मूवी बहुत ही अच्छी बनी है और टाइगर जी नवाज भाई ने बहुत अच्छा काम किया और आपके इस उल्लास नगर शहर से एक छोटा सा बंदा जो अपनी मेहनत से वहाँ है होप आपको काम अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वो मूवी ज़रूर देखिए थैंक यू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा बनी रहेगी हमारे शहरवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहेंगी कि हमारे शहर उल्हासनगर से निकले एक साधारण से व्यक्ति ने बॉलीवुड में जाकर नेगेटिव कैरेक्टर निभाते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया है अपने शहर का नाम रोशन किया है तो बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यूं आपकी जुबान हमारी आवाज देखते रहिए मेरा उल्हास तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद संस्कृति से बना अपना ये समाज संतों की कृपा से बड़ा आस्था विश्वास व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज एकता भाईचारे का हो सदा एहसास हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास मेरा उल्लास 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 आपकी जुबान हमारी आवाज़ देखते रहिए मेरा उल्हास